क्या भाई राजेश, अरे कोई काम वाम मिला या नहीं? नहीं भाई, मैं कई दिनों तक इस गांव से उस गांव तक सिर्फ घूमता ही रह गया। तुम एक काम करो, समझे, तुम एक बार जरा रामदास की दुकान पर जाकर देखो। भाई एक काम करो, मुझे 10 अंडे दे दो। मुझे 20 अंडे दे दीजिए। दे रहा हूँ। अरे भाई सुनिए, दुकान बंद हो चुकी है, अब दोबारा शाम में खुलेगी। मालिक मैं ग्राहक नहीं हूँ, मैं तो काम ढूंढ रहा हूँ। एक उपाय दिमाग में आया है। अच्छा ठीक है, तुम फिर कल से ही काम पर लग जाओ, ठीक है? मुझे हंस के 20 अंडे देना। हाँ मालिक, देता हूँ अभी। अरे वाह, ये आदमी का हाथ तो काफी तेज है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, महीने के अंत में इसे ऐसी टोपी पहनाऊंगा कि मालिक इस महीने की पगार दीजिए ना। क्या मुसीबत है, ठीक है ये ले, इस महीने ये 500 रुपए रख, बड़ा आया। अब मैं उसकी दुकान पर काम नहीं करूंगा, इन पैसों से अब मैं अंडे का व्यापार करूंगा। अंडे ले लो, अंडे, ताजे ताजे मुर्गी के अंडे। क्यों रे, तूने क्या सोचा था मेरी आंखों में धूल झोंक देगा हा? और आपने सोचा था मुझसे हर महीने काम करवाने के बाद मुझे एक पैसा भी नहीं देंगे, है ना? अच्छा अब तू देख। अरे छोड़ दीजिए, मेरी टोकरी को छोड़िए। हाय 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 रे हाय, मेरे सारे अंडे टूट गए। हाय रे, कौन है वहाँ? किसने मुझे आवाज दी है? आप कौन है बाबा? मैं तो यही रहता हूँ बेटा, तुम्हें किस बात की तकलीफ है बेटा? मुझे उस रामदास ने ठग लिया बाबा, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं ये गांव हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। शांत हो जा। ये ले, ये रही मुर्गी और ये रहा बोतल। लेकिन इनका घर जाकर इस मुर्गी को इस बोतल का ये जादुई पानी पिला देना, समझे? देखना कल सुबह एक अद्भुत अंडा देगी, उसके बाद लगातार 3 दिन तक सुबह सुबह उस अंडे पर इस बोतल का पानी डालना। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा लालच मत करना, याद रखना 3 दिन से ज्यादा वो अद्भुत अंडा तुम अपने पास नहीं रख पाओगे। ये अंडा तो सोने का है। जो उस बूढ़े बाबा ने कहा था, मैं उनकी सारी बात मानूंगा, जैसा कहा वैसा मानूंगा। आज आखिरी दिन है, इसमें जितना भी पानी बचा हुआ है वो इस पर डाल देता हूँ। आज ही बेच कर आता हूँ, बाजार में इसके बहुत पैसे मिलेंगे। मैं इन पैसों से पास के गांव में एक बहुत बड़ा अंडे का व्यापार खोलूंगा, उससे बहुत मुनाफा होगा। उस राजेश को जाकर देखो, उसने पास वाले गांव में एक अंडे की दुकान खोल ली है। कल तक जिसके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था, वो आज दुकान का मालिक कैसे बन गया? ये
ये लो इस महीने की पगार। कैसे हो भाई? बस चल रहा है। लेकिन ये क्या, आपकी ये हालत कैसे हो गई भाई? मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। ऐसी बातें मत कीजिए, आपके उसी अपमान की वजह से ही तो आज मैं रातों रात करोड़पति बन गया हूँ। ये लीजिए। आज मुझे सच का पता लगाना ही पड़ेगा। हाँ भाई, आपने बताया नहीं कि आप मेरी वजह से कैसे इतने बड़े आदमी बन गए। हाँ, किस्मत की वजह से भाई, लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं। उसी अंडे को बेचकर आज मैं बड़ा आदमी बना। क्या सच में? ये वही मुर्गी है। चुप चुप, अब सिर्फ एक काम करना है। बाबा जी, आपने मेरे भैया को एक मुर्गी और एक बोतल जादुई पानी दिया था। वो जादुई पानी खत्म हो चुका है, इसलिए भैया ने वो पानी लाने के लिए मुझे आपके पास भेजा है। ये लो जादुई पानी। सुनिए जी, ये मुर्गी सोने के अंडे देगी ना? अरे हाँ भगवान हाँ। भगवान, आओ देखते हैं, मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। अब ये जादुई पानी डालते ही ये अंडा बड़ा हो जाएगा। क्या बात है, रातों रात हम लोग बड़े आदमी बन जाएंगे जी। आप ही सारा पानी इस पर डाल दीजिए ना, उसके बाद हमें बहुत बड़ा सोने का अंडा मिलेगा। चलिए चलिए चलिए, डाल दीजिए सारा। तो इंतजार किस बात का है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या? ये सोने का अंडा तो सामान्य अंडे में बदल गया है। ये अंडा फूट क्यों रहा है? हाँ, क्यों फूट रहा है ये? अरे ये तो फट गया। अरे बाप रे, भाग्यवान भागो भागो भाग्यवान भागो भागो और दे। ये तो किसी की हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। बाप रे, भागो भाग्यवान भागो यहाँ से।